आम आदमी पार्टी की जिला स्तरीय पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक लोकसभा कार्यालय नीमच पर संपन्न हुई, जिसमें उपस्थित पदाधिकारियों ने संगठन विस्तार एवं जनता की समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित करने पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के साथ ही जिले में भी अब जनता की आवाज उठाने वाला मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जनता के मुद्दों पर कोई भी आवाज नहीं उठा पा रही है और पूरे देश में कांग्रेस के नेता तू चल में आया की तर्ज पर भाजपा को कांग्रेसमय बनाने में हुए हैं। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के ऊपर दायित्व आ गया है कि क्षेत्र में जनता की समस्याओं के लिए मुखरता के साथ आवाज उठाना होगा। प्रशासन के सामने जनता की आवाज बुलंद कर सर्वप्रथम मंगलवार को आम आदमी पार्टी इसी कड़ी में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नीमच जिले में कुत्तों का जो आतंक है उसके निराकरण के लिए ज्ञापन कलेक्टर को देगी। मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में भाजपा और कांग्रेस के जो ईमानदार कार्यकर्ता हैं, उनसे संपर्क कर धर्म की जगह बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जैसे मुद्दों वाली विचारधारा से जोड़ने का कार्य करेंगे। बैठक में लोकसभा प्रमुख नवीन कुमार अग्रवाल, नरेंद्र पाटीदार, तुलसी राम, नीलेश जैन, इस्माइल मयंक परमार, आसिफ हुसैन, उदयलाल अग्रवाल, विनोद कुमार पवार, जूजर अली बोहरा, रमेश गुजर और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सर, आज आम आदमी पार्टी की बैठक हुई है, क्या खास बातें हुई है? आम आदमी पार्टी के आज जिला स्तरीय पदाधिकारियों की मीटिंग थी, उसमें हम लोगों ने आगे जो रणनीति है वो रणनीति बनाई है और अभी वर्तमान में पूरे देश में एक परिदृश्य चल रहा है कि जो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल हुआ करती थी उसमें जितने भी इसके बड़े नेता हैं तू चल में आया कि तर्ज पर भाजपा को कांग्रेसमयी बनाने पे तुले हुए हैं और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश के साथ ही नीमच जिले में भी आम आदमी पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व आ गया है कि जो जनता की आवाज़ निरंतर हम देखते हैं कि मुख्य विपक्षी दल नहीं उठा पा रहा है, अब आज की मीटिंग में हमने निर्णय लिया है कि नीमच जिले में जितनी भी जनता की समस्या है उसकी प्रमुखता से आवाज़ उठाकर हम मुख्य विपक्षी दल की भूमिका का निर्वहन जनता के साथ मिलकर करेंगे। आज मीटिंग में पहली बैठक में निर्णय लिया गया और साथ ही हम लोग संगठन विस्तार पर भी जोर दे रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस में जो उपेक्षित लोग हैं, जो अच्छे कार्यकर्ता हैं और जो चाहते हैं कि धर्म की राजनीति की जगह बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जैसी बात हो, उस विचारधारा से जो संबंधित लोग हैं उनको भी हम प्रत्यक्ष संपर्क करेंगे मैन टू मैन और उन लोगों को भी हम आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जोड़ेंगे और इस प्रथम कड़ी में हम लोग लोगों के पास भाजपा और कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ताओं के पास जाकर उनसे पार्टी से जोड़ने का आह्वान करेंगे। साथ ही मंगलवार को हम नीमच शहर की और पूरे नीमच जिले की जो प्रमुख ज्वलंत समस्याएं कि रोज कुत्ते काट रहे हैं, 10 से 15 लोगों को रोज कुत्ते काट रहे हैं, उसकी आवाज़ के प्रमुखता से हम चरणबद्ध आंदोलन चालू करने जा रहे हैं और पहली कड़ी में मंगलवार को हम लोग कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर इस समस्या के लिए ज्ञापन देंगे। आपके चैनल के माध्यम से सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों के साथ ही गणमान्य नागरिकों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि वो मंगलवार को 12 बजे कलेक्टर कार्यालय पहुँचे और इस समस्या ज्वलंत समस्या एक आम नागरिक बनकर हमारा सहयोग प्रदान करें। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ आसिफ अली की ये रिपोर्ट।